अरे मुझे ऐसी पत्नी क्यों दी, मुझे ऐसा पति क्यों दिया, तू प्रभु कहां लेकर आया मुझे। कई बार हम बोलते हैं ऐसा, कुड़कुड़ाते हैं, पर ये ज्ञानी पुरुष देखिए, उन्होंने प्रभु उनको कहां लेकर आया था पता है, जो जीवन में उन्होंने कभी नहीं किया था वो यहां पर हो रहा है। जो अर्पण जीवन में कभी नहीं चढ़ाए थे वो अर्पण वो यहां दे रहे। हालेलुया प्यारो, कई बार हमारी तकलीफों में भी प्रभु का महिमा छुपा हुआ होता है, समझ में आ रहा है। इतनी दूर से ये लोग आए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हमारी यात्रा करके क्या हम इस बच्चे को देखने आए थे, दुनिया में क्या दूसरे बच्चे नहीं है। पर इनको कंफर्म था कि जिसको ढूंढते हम आए हैं ये दुनिया का राजा है। हालेलुया, ये सारे संसार का राजा है। हालेलुया, क्या आपको पता है जिसके पीछे चल रहे वो कौन है? नहीं पता है, इसीलिए हम उसको दोष देते कभी। इन्होंने तो खाली कर दिया, पूरी तैयारी के साथ आए थे सब कुछ लुटाने के लिए। क्या यीशु के पीछे चलने का मतलब ये है कि बस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करना, क्रिसमस आए तो मैरी क्रिसमस करना, दो चार फूल फूल लगा देना और घर पे एक सितारा लटका देना, क्या ये मतलब है यीशु के पीछे चलने का? कितने तैयार हो यीशु के लिए सब कुछ लुटाने के लिए? इन ज्ञानी पुरुषों की माफी, इन्होंने अपने झोले खाली कर दिए। देखो अपना थैला खोलकर उसको क्या दिया पता है? बहुत महत्वपूर्ण तीन बातें इन्होंने दी है, महत्वपूर्ण तीन बातें। क्या है उन तीन बातों का नाम लिखा है? सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या चढ़ाया बोलो? सोना, लोबान और गंधरस। ये तीन बात यीशु मसीह के देवत्व को, परमेश्वरत्व को बताते हैं। देखिए सोना हमेशा राजा को दिया जाता है, सो ये देखकर ये साबित कर रहे थे कि यू आर द किंग, तू हमारा राजा है और तू पूरी कायनात का राजा है। दूसरा इन्होंने दिया लोबान, लोबान फ्रैंकिंसेंस जिसमें इंग्लिश में लिखा गया, और इसका उपयोग महायाजक जब प्रभु के भवन में मुलाकात मंडप में जाते तब इसका उपयोग किया जाता था। मतलब ये दूसरी बात ये थी कि ये हमारे लिए मध्यस्थ, इंसान के लिए मध्यस्थ, ये मेरा मध्यस्थ है। लोबान चढ़ाने का मतलब है तू मेरा मध्यस्थ है, मैं सीधा पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता हूं, मुझे कोई मार्ग चाहिए और वो मार्ग यीशु तू है। लोबान चढ़ाने का मतलब ये है। और तीसरा है गंधरस, गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस हिंदी में वहां मूर शब्द लिखा हुआ है, मूर दिया, मूर चढ़ाया। ये क्या बताता है पता है? अपने आप को कंप्लीटली स्वाधीन करने वाला सफरिंग सर्वेंट, या तो दुख सहन करने वाला दास। यीशु मसीह की तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर बताई गई है, और पूरी सेवकाई उनकी कैसी रहेगी वो इन तीन भेंटों के द्वारा उनकी शुरुआत में बता दी गई है। देखिए कितना सही अर्पण ये लोग लेकर आए। हालेलुया, ढूंढने वाले जो लोग होते हैं यीशु को ढूंढने वाले, उनको परमेश्वर ही बताता है तुझे क्या चढ़ाना है, तुझे क्या करना है, तुझे यहां बोलना है, तुझे यहां चुप रहना है, प्रभु ही बताता है सब कुछ उनको, क्योंकि वो उसकी अगुवाई को बेहद चाहते हैं। क्या आप चाहते हो यीशु की अगुवाई को? कितने लोग चाहते हो यीशु की अगुवाई? कितने चाहते हो कि यीशु आपकी अगुवाई करे आपके जीवन में, आपके जीवन के हर एक पल में यीशु आपकी अगुवाई करे? कितने आप चाहते हो? कोई नहीं चाहता है। चाहते हो तो आप बता सकते हो ना, मुझे पता तो चले कि आप सब लोग तैयार है कि नहीं है। मैं भी चाहता हूं, मुझे जरूरत है कि यीशु ने जो ऑलरेडी मुझे दे दिया है बाइबल वचन, उसको मैं समझूं, ना सिर्फ पढ़ूं पर उसको मैं समझूं, समझने का प्रयास करूं। और ढूंढने वालों को सब मिल जाएगा, है ना, कुछ भी कठिन नहीं है। पवित्र आत्मा की मदद मांगोगे प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपको सितारे की माफिक चमकाएगा। आपके दिल को खोल दीजिए पहले, आपके झोलों को भी खोल दीजिए। प्रभु मेरा दिल, मेरा समय और मेरा झोला ये तेरा।
दिल तो दे दूंगा, थोड़ा बड़ा समय भी दे दूंगा, पर झोला नहीं दूंगा। झोले में मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, झोले में सोना है, गहने हैं, झोले में नौकरी है, नहीं बहुत कुछ है झोले में जो हम नहीं देना चाहेंगे। देना चाहेंगे तो यीशु के पीछे चलना है तो फिर हमें देने वाले बनना पड़ेगा। देखिए ये ज्ञानी पुरुष, ये लोग भी अन्य जाति के लोग थे, पर इन्होंने श्रेष्ठ अर्पण दिए, और वो भी कैसी अवस्था में, ऐसे भयानक अंधकार में, ऐसे भारी संकट के समय जिसको बोल सकते हैं, इन्होंने बेस्ट वर्शिप दी यहां पर अपने जीवन के संकट के समय में। कई बार संघर्ष आपको रुला देंगे, आपके आंसू आप किसी को दिखाना पसंद नहीं करोगे, अकेले में घूंघट छुपाकर, घूंघट में मुंह छुपाकर, या तो कोने में जाकर, या तो बिस्तर में आप रो लोगे। यीशु ही होगा जो आपका आंसू पोछेगा, तो उसी को अपना सब कुछ दो, क्योंकि वो ही आखिर में साथ निभाएगा। इन्होंने अपने आप को दे दिया, आप दीजिए, अनुभव तो कीजिए, अपना सब कुछ देकर अपनी इच्छाओं को दीजिए ना, अपनी इच्छाओं को सौंप कर देखिए। कठिन होता है कई बार चलना, चुप रहना पड़ेगा, अपमान भी सहने की बारी आएगी, पर यीशु बोलता है कि चुप रहो, अपने उजाले को चमकने दो। उजाला चमकता नहीं है इसलिए लोगों को पता नहीं है यीशु कहाँ है। भाई ढूंढते रहते यीशु कहाँ है, मैं तो ये सोच रही थी कि यहाँ यीशु है, इस घर में यीशु है, उधर यीशु, पर मुझे तो यीशु कहीं नहीं मिला। कोई बात नहीं, यीशु नहीं मिला ना, अपना बेस्ट दीजिए प्रभु को, इसीलिए प्रभु आपको लेकर आया है, इसीलिए यीशु कई बार आपको इस स्थिति में से गुजरने के लिए परमिट किया है कि इस मानसिक यातना में से गुजर के देखो आप। कई बार नहीं, पर यह मौका होता है हमारे लिए बेस्ट प्रभु को देने का, श्रेष्ठ स्वार्पण करने का, बेस्ट वर्शिप देने का यह मौका होता है, जो इन्होंने नहीं गवाया। प्यार क्या किया वहां पर, उन्होंने मुंह के बल गिर कर, मतलब अपना अपने आप को भी दिया वहां पर, और दूसरा उनके पास जो था वो भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा चैलेंज दे रही है हमको, चुनौती है कलीसिया के लिए, आज की कलीसिया के लिए, जो सिर्फ मटेरियल को देखकर भागा भाग करती है, बस मुझे ये मिल जाए ना वो मिल जाए। यीशु मिल जाएगा ना तो किसी की बात की भी जरूरत नहीं होगी। यीशु को ढूंढिए, इसीलिए लिखा है कि पहले उसको और उसके राज्य को ढूंढे ताकि सारी चीजें तुम्हें दे दी जाए। मत्ती 6:33 ऐसा बोलते हैं। हम क्या ढूंढ रहे, किसको ढूंढ रहे बताइए ना, आंखें बंद कीजिए, चलिए हम प्रार्थना करते हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। हम किसको ढूंढने वाले हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, हमारी परमेश्वर के साथ की इस यात्रा में हम किसको ढूंढ रहे हैं? क्या हम सितारे को देखकर आगे बढ़ रहे हैं कि अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से चल रहे, अपने स्वभाव से चल रहे? क्या है हम कहां पर है? इन ज्ञानी पुरुषों को परमेश्वर ने जो दिखाया उसका उन्होंने बहुत सही प्रतिभाव दिया। इनका रिस्पांस देखो, कितना अद्भुत रिस्पांस इन्होंने दिया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सितारा पता नहीं कहां तक हमें ले जाएगा, उन्होंने सितारा देखकर पूरी तैयारी कर ली, बोरिया बिस्तरा बांध लिया और निकल पड़े। क्या ये तैयारी है यीशु के पीछे चलने के लिए? कोई साथ आए ना आए, मैं उस राजा की भक्ति करता रहूंगा जीवन भर, मरते दम तक, आखिरी सांस तक। क्या ये कमिटमेंट है आपका कि भाई कुछ दिख जाएगा तो उसके पीछे चले जाएंगे, कहीं पर स्वार्थ दिखेगा तो वहां पर जाएंगे, मेरा तो क्या है, मेरे को तो कुछ मिलने वाला है, मैं क्यों जाऊं? क्या ये बातें सोचकर बैठे हैं अभी भी हम? प्रभु आपको बोलता है, उठ, तेरा प्रकाश मेरे पास आया है, प्रकाशमान हो जा, यही तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, यही मौका है प्रकाशित होने का। वापिस फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया है, अपने आप को फिर से पुनः स्वार्पित कर दो,
पुनः समर्पण कर दो प्रभु के आगे, प्रभु मेरी इच्छा के लिए मैं माफी मांगता हूं कि मैं उस पर चलता रहा और लोगों को चलाता रहा, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे हस्बैंड को मैं चलाता रहा, मेरी मर्जी से मेरे माँ बाप को चलाता रहा, मेरे करियर को मैं अपनी मर्जी से चलाता रहा, मेरे जीवन की पूरी लाइफ, मेरे पूरा जीवन में अपने ऊपर आधार रख के चलता रहा, पर प्रभु आज मैं तुझे जीवन देता हूं और तू जो बताएगा वैसे ही चलने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। तू जो बोलेगा उसी दिशा में जाऊंगा, तू जहां नहीं बोलेगा मैं वहां रुक जाऊंगा, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्या आपके दिल की यह प्रार्थना है, यह समर्पण है आज, तो आप 2021 में अद्भुत रूप से आशीषित होंगे। लिख लीजिए आने वाली क्रिसमस तक प्रभु आपको कितना उठा के रख देगा। लिख लीजिए अपने बाइबल के पीछे, नोट के पन्नों के पीछे कहीं पर, अगर मैं मेरे पूरा समर्पण के साथ चलूंगा प्रभु के साथ, मुझे और मेरी कलीसिया को प्रभु एक साल में कहीं भी आगे ले जाएगा। इन ज्ञानी पुरुषों ने यह नहीं सोचा कि सफर बहुत लंबा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, बस वो चलते रहे, पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। क्या आप तैयार हो कीमत चुकाने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो, अपने अपमान को भूलने के लिए तैयार हो, गले लगाने के लिए तैयार हो क्या? इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को गले लगाइए प्यारो, जिनको आप तुच्छकारते हो ना उनको गले लगाइए, जिनको आप कुछ भी नहीं समझते हो ना उनको गले लगाइए, वहीं से शुरुआत होगी, तभी आदत बनेगी और आप दूसरों को भी गले लगाना सीखोगे। अपने पति पत्नी को गले लगाइए, जिनको आप कुछ भी जूती समझते हो ना, मूर्ख समझते हो ना, कुछ लोग हैं जो अपने हस्बैंड को मूर्ख समझते हैं, प्रभु की ऑथोरिटी को कबूल कीजिए, आप आशीषित तभी हो पाओगे। प्रभु ने जो ऑथोरिटी रखी है उसमें बने रहिए। हमें हमारे लिए प्रभु ने यह एक मौका रखा है, मुझे नहीं पता वापिस हम कब मिलेंगे, पर अगर इस संदेश को आपने ध्यान से सुनकर अपने दिलों में बांध कर रख लिया है तो आप कदम बढ़ाना शुरू करें। प्रभु ने जो जो बातें आपके दिल में रखी है उसको बांध कर रख लीजिए प्यारो, उसको खोने मत देना। यीशु आपका साथ देगा, आग से गुजरना पड़े, बड़ी लहरों में से होकर निकलना पड़े, पर यीशु का हाथ थाम कर रखना, वो आपको खत्म नहीं होने देगा, वो आपको थाम कर चलेगा, वो आपको थक जाओगे वो उठा लेगा। आपकी यात्रा को खत्म मत करो। इन बुद्धिमान पुरुषों ने अपनी यात्रा को जब तक यीशु ना मिल गया तब तक जारी रखा, ये कुड़कुड़ाए नहीं उस छोटे यीशु को देखकर, उनकी अपेक्षा शायद बड़ी थी, पर जो उनके सामने था उनको सत्य पता था, इसलिए उन्होंने अपने आप को झुका दिया। अपने आप को झुकाइए सत्य के आगे, चाहे जैसी भी स्थिति में से आप गुजर रहे हो। मुझे पता नहीं आपके रिश्ते नाते कैसे हैं, मुझे पता नहीं है आपके घर वालों के साथ आपकी क्या बन रही है, हमें पता नहीं है, हमने तो यीशु ने जो बताया वो आपको कहने आए हैं। अपनी यात्रा को गले लगाइए, मैं मेरी यात्रा से दाएं बाएं नहीं घूमूंगा, सितारे को देखते हुए, वचन को देखते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चलता रहूंगा, पवित्र आत्मा से के फलों से अपने आप को मैं भरपूर करूंगा, मेरे प्रयास आत्मा के फल की ओर होंगे। आप कीजिए समर्पण अपना, आप कह सकते हो कि यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, चाहे कैसी भी मुश्किल हो पर मैं मेरे मुकाम पर पहुंचकर ही रहूंगा। यीशु मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये सोना और जो सब चीजें हैं वो तो तेरे भेंट चढ़ाने के लिए है, जो तूने मुझे दिया है वो तो तेरी महिमा के लिए दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो वरदान दिया है वो तो तेरी महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए नहीं है। मुझे उठाने के लिए मेरा करियर है प्यारा ऊपर, यीशु को उठाने के लिए आपका कॉलिंग है। अपने कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को थामे रहिए, यीशु को उठने दीजिए, अब
अगर यीशु को अपने दिलों में जगह दी है तो उसके उजाले को चमकने दीजिए, अपने बच्चों पर, बीवी पर, अपने हस्बैंड पर, अपने घर वालों, पड़ोसियों, आस पड़ोस में चमकने दीजिए। परमेश्वर यीशु आपके दिलों में है, जानने दीजिए लोगों को, आपके सही जीवन से लोग जानेंगे, आपके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से वो नहीं जानेंगे, वो आपके जीवन से जानेंगे। कहिए प्रभु मेरा समर्पण मैं करता हूं कि लोग तुझे देखे। आप कह सकते हो कि प्रभु मैं बहुत अपने बल पर बुद्धि पर चला, थक गया हूं प्रभु, मेरी यात्रा में फिर से मुझे बल दे कि मैं तुझे ढूंढता ढूंढता तू जहां पर है उस मुकाम पर मैं पहुंच जाऊं, मेरे जीवन की यात्रा जब मैं पूरी करूं तब मैं यीशु के पास हूं, मैं कहीं और ना हो, मुझे तुझ पर नजर रखते हुए चलना है प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु कि जीवन की यात्रा जब मेरी पूरी हो इन ज्ञानी पुरुषों की माफी तब यीशु तू सामने खड़ा हो। प्यारो अपने बल से अपने मन से चलोगे कहीं और चले जाओगे पहुंच जाओगे, प्रभु ने जो व्यवस्था आपको दी है उसमें बने रहिए, उन अगुओं में बने रहिए प्यारो, जिन अगुओं को प्रभु ने आपके ऊपर चरवाहा बनाया है, यीशु उनका चरवाहा है, उन अगुओं को चाहिए कि वो यीशु की अगुवाई में बने रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मुझ पर अनुग्रह करो कि हम हमारे कलीसिया को सही अगुवाई दे सके। अगर आपका समर्पण है एज ए सेवक या तो कलीसिया के कोई भी विश्वासी के रूप में अपने समर्पण को आप जारी कर सकते हो, आप कह सकते हो यीशु तेरा हाथ थाम कर मैं चलता रहूंगा, मंजिल मेरी आएगी तब तक मैं बढ़ता रहूंगा, तूने मेरे मुकाम को जहां रखा है वहां पहुंच।